question is, how did Jaydev become Genghis? पहले कभी दिखे नहीं, दिखे होते तो तू नहीं दिखता। मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस से कर ली है शानदार कमाई। वही दोस्तों यहां पर सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला चौथे हफ्ते में एंट्री ले चुकी है, लेकिन फिर भी ये मूवी अभी भी करती जा रही है बढ़िया कमाई। लेकिन दोस्तों तीसरी तरफ सरप्राइज किया है बेंगोली फिल्म चेंगेज ने, जिसे काफी कम स्क्रीन मिली है, लेकिन कम स्क्रीन में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से एकदम शानदार कमाई की है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसी का भाई किसी की जान के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वही भोला के शुरुआती 24 दिनों के कलेक्शन के बारे में, इसके अलावा चेंगेज के भी दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म भोला के बारे में, तो 100 करोड़ बजट में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म भोला, जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट हो चुके हैं 3 हफ्ते, और अब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है 4th हफ्ते में। और दोस्तों 4th हफ्ते में इस फिल्म के पास जो स्क्रीन से वो काफी कम बची है, लेकिन कम स्क्रीन पर भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 4th हफ्ते के हिसाब से काफी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो भोला फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 60 करोड़ का किया था। वही दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन 18 करोड़ 51 लाख रुपए रहा। वही दोस्तों तीसरे हफ्ते में बहुत सारी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भोला ने अपने तीसरे हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन 10 करोड़ का किया था। अब नजर डाली जाए फिल्म के 4th हफ्ते के कलेक्शन पे, तो दोस्तों यहां पर 4th हफ्ते में एंट्री लेते ही भोला फिल्म ने अपने 23वें दिन लगभग 72 लाख रुपए की कमाई की। वही दोस्तों यह फिल्म आज यानी कि अपने 24वें दिन 85 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों भोला का शुरुआती 24 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 90 करोड़ 27 लाख रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 109 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, तो भोला फिल्म का ओवरसीज से टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ का रहा। इसी के साथ दोस्तों भोला फिल्म ने शुरुआती 24 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 124 करोड़ का किया है। जी हाँ दोस्तों 24 दिन और दुनिया भर से 124 करोड़ की कमाई भोला फिल्म कर चुकी है। बताना चाहूंगा जो दोस्तों जिस तरह फिल्म का बजट है उस हिसाब से भोला बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही। वही दोस्तों अब अगर बात करें बेंगोली फिल्म चेंगेज के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बेंगोली सिनेमा के बड़े सुपरस्टार जीत। अब दोस्तों इस फिल्म का हिंदी मार्केट में जोरों शोरों से प्रमोशन किया था, और इस फिल्म के हीरो और हीरोइन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से प्रमोट किया जाए। लेकिन दोस्तों इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी फिल्म को हिंदी मार्केट में कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, जिसके चलते ही फिल्म को हिंदी में जो स्क्रीन से मिली वो काफी कम थी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के सामने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई। हालांकि फिल्म को हिंदी में डिसेंट रिस्पॉन्स मिला है, पर इस फिल्म ने बेंगोली लैंग्वेज में एक अच्छी खासी कमाई की है। अगर बात करें इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की, तो दोस्तों चेंगेज फिल्म का एक्चुअल बजट है 7 करोड़ रुपए, लेकिन हिंदी डबिंग और प्रमोशन कॉस्ट मिलाकर फिल्म का टोटल बजट हो जाता है 10 करोड़ रुपए। अब आपको बता दें दोस्तों फिल्म को लगभग सिर्फ 300 स्क्रीन पर रिलीज किया है। जी हां दोस्तों फिल्म सिर्फ 300 स्क्रीन पर रिलीज हुई, और 300 स्क्रीन के हिसाब से इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी शानदार है। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि चेंगेज फिल्म ने पहले दिन लगभग 52 लाख रुपए 52 लाख का कलेक्शन किया। वही बात करें सेकंड डे की, तो दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो मिक्स है, यानी कि ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद आई। इसी वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों यहां पर चेंगेज फिल्म को दूसरे दिन बेंगोली लैंग्वेज में तो ग्रोथ मिली, साथ ही साथ हिंदी में भी फिल्म की ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक चेंगेज अपने दूसरे दिन इंडिया से कलेक्शन कर रही है 80 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों चेंगेज फिल्म का शुरुआती
दो दिनों में टोटल कलेक्शन हो रहा है 1,32,00,000 रुपए। कहने को तो ये काफ़ी कम कलेक्शन है, लेकिन इस बंगाली फिल्म का दो दिनों का जो कलेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं। तो फिल्म ने दो दिनों में तो अच्छी कमाई की है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे ये फिल्म हिंदी मार्केट में अपने पैर जमा पाती है या नहीं। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बारे में, तो मेगा स्टार सलमान खान 3 साल बाद बड़े पर्दे पर आए अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान लेकर। अब दोस्तों फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है, फैमिली इमोशन है, कॉमेडी है, सब कुछ मसाला है। लेकिन फिल्म रिलीज हुई थी ईद के एक दिन पहले, जब हमारे मुस्लिम भाई सिनेमा घरों में फिल्म देखने नहीं जाते, जिसकी की वजह से फिल्म को पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग मिली वो सलमान खान के स्टारडम के हिसाब से थोड़ी कम थी। लेकिन दोस्तों पहले दिन डिसेंट ओपनिंग लेने के बाद फिल्म के सेकंड डे के जो कलेक्शन है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आ गई, क्योंकि दोस्तों दूसरे दिन रही ईद और ईद के मौके पर फिल्म को हॉलीडे का पूरा फायदा मिला और फिल्म की जो सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो किसी का भाई किसी की जान फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का किया, हमारे प्रेडिक्शन से थोड़ा कम, पर चलता है फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शन में एक अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में भयंकर रिस्पॉन्स मिला है, साथ ही साथ आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक किसी का भाई किसी की जान अपने दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 20 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 42,42,00,000 रुपए। बात की जाए फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, तो यह फिल्म शुरुआती दो दिनों में ओवरसीज मार्केट से लगभग 13 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों किसी का भाई किसी की जान फिल्म शुरुआती दो दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 55 करोड़ का हो रहा है। जी हां दोस्तों, दो दिनों में फिल्म दुनिया भर से 55 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। अब दोस्तों कल है संडे, तो कल इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ग्रोथ आने की पूरी उम्मीदें हैं, पर देखना यह है कि फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है किसी का भाई किसी की जान फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और इन सभी फिल्मों के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।